आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ए बी सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी डी, सेट बी दिया हुआ है वाई जेड, हमें फाइंड करना है बी इंटू ए। तो हम यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। बी इंटू ए करने के लिए सबसे पहले हमने सेट बी रखा, इसके एलिमेंट्स से वाई जेड, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, फिर हमने सेट ए रखा जिसके एलिमेंट्स थे ए बी सी डी। फिर हमने इनका जब प्रोडक्ट मालूम किया तो हमने देखना ये है कि बी जो सेट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट सेट ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि वाई को हम पहले ए के साथ, फिर वाई को बी, वाई सी, वाई डी, फिर इसी तरीके से हम जेड को भी जेड ए, जेड बी, जेड सी और फिर लास्ट में जेड डी। तो ये पूरी चीज़ जो हमारे पास आई ये हमारा कहलाती है कि बी इंटू ए का प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अभी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 3, 4। अब यहाँ पे फाइंड करना है ए इंटू बी इंटरसेक्ट सी। तो ये चीज़ हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसका ऑर्डर देखते हैं, एक्सपोनेंट्स देखते हैं, फिर हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में हमारे पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन। तो इसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ब्रैकेट्स मालूम करेंगे, यानी कि हमारे पास बी इंटरसेक्ट सी जो है उसको हमने मालूम करना है। तो बी इंटरसेक्ट सी मालूम करने का तरीका हम पीछे देख चुके हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बी के तमाम एलिमेंट्स यानी कि 2 और 3 रखी, इंटरसेक्शन की साइन लगाई और फिर हमने सी के एलिमेंट्स 3 और 4 प्लेस करे। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा वो हमारे पास बी इंटरसेक्ट सी का सेट बन जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ 3। हमने नीचे इसको रख दिया। इसके बाद हमारे पास अब बी इंटरसेक्ट सी मालूम हो चुका है। नेक्स्ट हमने मालूम करना है ए इंटू बी इंटरसेक्ट सी। ए के हमारे पास एलिमेंट दिए हुए थे ए सेट के ए बी, और बी इंटरसेक्ट सी के हमने मालूम किया था, आंसर आया था 3। जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम किया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ए जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले 3 से, इसी तरीके से बी जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई ए इंटू बी इंटरसेक्ट सी। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई भी सवाल है तो आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।